एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जो आपके बुक है उसका यूनिट वन का पार्ट वन। इससे पहले सेकेंड ईयर की काफ़ी बुक्स हमने कंप्लीट कर दी हैं, आपने नहीं देखी तो आप जान के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो मेरा नाम है जनीशा चौधरी और मैं इस चैनल पर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। बी एड फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैं पूरा कंटेंट कोशिश कर रही हूँ आपको बी एड का प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी बुक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो हमारे आज इस पार्ट वन में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं जेंडर एंड पेट्रियार्की। बेसिकली जेंडर एंड पेट्रियार्की हम कवर करने वाले हैं आज, जिसके अंदर हम जेंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे, और इस पेट्रियार्की एंड ब्यूरोक्रेसी और पेट्रियार्की दोनों में क्या चीज़ है, क्या कनेक्शन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी वर्ड्स आपने काफ़ी बार सुने होंगे, जेंडर, सेक्स, पेट्रियार्की, है ना, ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी बार आप लोगों ने इन वर्ड्स को सुना होगा। तो आज हम इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। इस पूरी बुक के अंदर हम जेंडर के इश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम तो टीचर बनने वाले हैं तो भाई जेंडर के बारे में क्यों जाने। भाई इसके बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज टीचर ही है जो बच्चों को सब चीज़ों की जानकारी दे रहा है। ऑल्दो आज के टाइम में टीचर अकेला नहीं है जो सब जानकारी दे रहे हैं, गूगल इज़ और यू कैन से सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चों को जानकारी मिलती है। तो हमें बच्चों को अवेयर करना है जेंडर इश्यूज से रिलेटेड, जेंडर क्या होता है, जेंडर सेक्स में डिफरेंस क्या है, पेट्रियार्की क्या है, वो कैसे इन सब चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं वो हमें बच्चों को समझाना है, बिकॉज हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है बच्चों पर, बिकॉज वही है हमारे फ्यूचर का सब कुछ, ठीक है ना। तो समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर क्या है? इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स। अब यहाँ पे हमने सेक्स का यूज़ करा है, सेक्स वर्ड का, तो पहले सेक्स समझ लेते हैं क्या है। सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल वर्ड। सेक्स बेसिकली यूज होता है बायोलॉजिकली कोई फीमेल है या मेल है ये जानने के लिए, दैट बायोलॉजिक इन बायोलॉजिकल टर्म्स, मतलब फिजिकल टर्म्स में आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक मेल के हैं या फीमेल के हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड ए सेक्स, ठीक है। मतलब बच्चा पैदा हुआ तो हम उसका सेक्स बताते हैं, द चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल और अ इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब दोनों जेंडर्स जो हैं, या फिर आप, आपको पता है इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है। तो वो बायोलॉजिकली जब हमने किसी को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्स। लेकिन अगर हम सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज अ जेंडर। अब ये सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स क्या है? फिजिक बायोलॉजिकल टर्म्स में हमें पता चल गया ये बच्चा मेल है, ये बच्चा फीमेल है, बट समाज में हमने मेल और फीमेल को कैसे कैटेगराइज करा है कि भाई जो जॉब करते हैं दे आर मेल, जो घर का काम करती हैं दे आर फीमेल, रोटी बनाने वाली फीमेल, और बाहर से रोटी का सामान लाने वाला मेल। ये क्या करा है हमने समाज में, सोशली काम के थ्रू, रोल्स के थ्रू हमने सेक्स को डिटरमाइन करा, एंड ये सेक्स को डिटरमाइन करने का सामाजिक तरीका है विच इज़ कॉल्ड एज जेंडर। तो समझ आया आपको जेंडर क्या होता है? इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स। इट रेफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन, सच एज देयर रोल्स, देयर एटीट्यूड्स, देयर बिहेवियर्स, देयर वैल्यूज। अब आपको पता है लड़कियाँ रो देती हैं, अब रो देती हैं तो वो लड़कियाँ हैं। हम ऐसा क्यों करें लड़कियाँ रो देती हैं? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक हमने, हमारे समाज ने एक फीमेल को ही दे रखा है, तो रोने वाली लड़कियाँ ही होती हैं, समझ रहे हैं ना, और स्ट्रॉन्ग बॉयज़ होते हैं, मेन होते हैं। तो ये चीज़ें जो हमने समाज के थ्रू कंस्ट्रक्ट करी हैं, दे ऑल कम अंडर जेंडर। तो जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। अब बच्चा पैदा होते ही नहीं पता होता कि उसको कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं। पैदा होते ही तो बच्चा रोता है, वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, वो तो रोएगा बच्चा।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है समाज में, चीज़ों के साथ अवगत होता है बच्चा, सबके साथ मिलता है, तो सब धीरे धीरे समझ आता है कि भाई मैं एक लड़का हूँ तो मुझे यही करना है, और मैं एक लड़की हूँ तो मुझे यही करना है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस से बच्चों को पता चलता है, एंड देयर फोर द जेंडर रोल्स आर नॉट फिक्स्ड एंड हैंस चेंजेबल। और इसीलिए आज की सोसाइटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन रोल्स को चेंज कर सकें। नाउअडेज अब वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, वो भी बाहर जाकर पैसा कमा कर लाते हैं, एंड मेन आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन किचन रोल्स या हाउस होल्ड कोर्स। तो यानी कि क्योंकि ये फिक्स नहीं थे, बिकॉज दे आर चेंजेबल, तो हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो आपको जेंडर सिस्टम समझ में आया? तो जेंडर सिस्टम, जेंडर अप्रोच को समझना मतलब उनके रोल्स को समझना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम नहीं बता रहे, हम जबकि उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बता रहे हैं। नाउ देर आर फॉलोइंग थ्री अप्रोचेस टेकन एन इंक्रीज फोकस ऑन मेन। अब कुछ अप्रोचेस हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। नीड टू आइडेंटिफाई मेन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इन्वॉल्व देम मोर एक्टिवली इन दिस वर्क। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने ये काम स्पेसिफिकली इस जेंडर के लिए कर दिया है तो वही जेंडर उस वर्क को करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो मेल ग्रुप है उसको हम मोटिवेट करें, अवेयर करें, एंड फॉर दैट ओनली इस टॉपिक को एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे इस प्रॉब्लम को समझ सके, इस सिचुएशन को समझ सके, इनके मतलब को जान सके, ताकि वो इन सब चीज़ों में बदलाव भी ला सके। क्लियर? रिकॉग्निशन दैट द जेंडर इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल अनलेस मेन चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन मेनी एरियाज। अगर हम चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी आए, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मेन जो वो ग्रुप है उसको अवेयर किया जाए, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि मतलब अगर आप एक परिवार में भी देख लीजिएगा, लाइक मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, एंड ही इज सपोर्टिव इसीलिए फैमिली के अंदर वो उन कोर्स को भी करते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है फीमेल के लिए, लाइक झाड़ू पोछा लगाना। भाई आदमी झाड़ू पोछा लगा रहा है तो घर में कलेश होने की संभावनाएं होती हैं, बट बिकॉज मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली लेते हैं, उनको नहीं है कि यार ये काम तो तेरा ही है तो तू ही करेगी, नहीं, वो भी उस काम में उतना ही साथ देते हैं जितना कि मैं करती हूँ, एंड इसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग वन मोर थिंग कि फैमिली मेम्बर्स भी उसी सोच में आ जाएं, वो उन्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने पार्ट पे देखूं तो एक आदमी एक लड़के के चेंज की वजह से एक फैमिली में चेंज आ रहा है, तो अगर धीरे धीरे हर लड़के में चेंज आएगा तो हम पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में चेंज ला सकते हैं। तो फॉर दिस मेन जो ग्रुप है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। देन जेंडर सिस्टम इन प्लेस इज मेनी कंटेक्स्ट आर नेगेटिव फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन। अब बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जेंडर का कंटेक्स्ट हमेशा वुमेन के लिए ही नेगेटिव है और मेन के लिए पॉजिटिव। जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो लड़की देख ली तो उसको हमें सीट देनी है, लड़का अगर किसी भी समस्या से परेशान हो सकता है, वो भी तो हो सकता है ना परेशान, तो हम उसको सीट नहीं देते। सो यहाँ पर मेन के लिए अगेंस्ट जाती हैं चीज़ें। तो मतलब जेंडर के लिए जो हमने कुछ रोल्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं उसको हमें बदलना है, हमें इक्वालिटी देनी है। ये नहीं कि हमें सिर्फ औरतों को ऊपर लेकर आना है और मर्दों को दबाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। वी हैव टू मेक देम इक्वल। ठीक है, जहाँ पे वुमेन ऊपर है मेन नीचे हैं, उन वहाँ पे से वुमेन को थोड़ा नीचे मेन को थोड़ा ऊपर ले आओ, बैलेंस कर दो। जहाँ वुमेन नीचे है मेन ऊपर है तब भी आप चीज क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस जेंडर सिस्टम फ्रॉम आर सोसाइटी। क्लियर? देन कम्स पेट्रियार्की।
पेट्रियार्की मतलब पिता की सत्ता. पेट्रियार्की वर्ड इज यूज फॉर फादर. फादर के लिए स्पेसिफिकली हम फादर की बात नहीं कर रहे हैं, पर फादर रोल्स की बात कर रहे हैं. घर में पापा, चाचा, ताऊ, दादा, मतलब परिवार में हम लंबे समय से दिखते आ रहे हैं कि इन्हीं लोगों की चलती है, विच इज़ कॉल्ड एज पेट्रियार्की. पेट्रियार्की इज़ अ सोशल सिस्टम इन विच मेल्स होल्ड द प्राइमरी पावर. अब हमें अगर घर से बाहर घूमने जाना है तो ऑल्दो वी कैन टेक परमिशन, हम अपनी मम्मा से भी परमिशन ले सकते हैं, बट मम्मा लोग क्या कहती हैं, बेटा जाओ पापा से पूछो, पापा बताएंगे आपको. पीछे से चाहे मम्मी का ही वो डिसीजन हो, लेकिन वो चीज़ पापा पे टारगेट कर दी जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये चलता आ रहा है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो घर का मेल ही लेगा, पापा ही लेंगे, या भाई ही लेगा, या दादा ही लेंगे, ताऊ जी ही लेंगे, चाचा ही लेंगे. दिस इज़ व्हाट आर जेन सिस्टम इज़ वर्किंग ऑन. So in the domain of family, father or father figure hold authority over women and children. औरतों पर और बच्चों पे उन्हीं का रूल चलता है. उन्होंने चाहा तो बच्चा घूमने बाहर जा सकता है, वरना नहीं. उन्होंने चाहा तो काम हो सकते हैं, वरना नहीं. तो हर चीज़ के लिए वी हैव टू ग्रांट परमिशन फॉर देम. मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि हमें परमिशन लेनी चाहिए, बट हमें अपने बड़ों से परमिशन लेनी चाहिए. हमें घर के मेल मेंबर से परमिशन लेनी चाहिए, दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अगर हम अपनी मम्मा से भी परमिशन ले रहे हैं, उनके पास भी इतनी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को हाँ या ना कर सके. अगर उन्होंने हाँ कर दिया है तो पापा भी उनके डिसीजन पर एग्री करें, ठीक है ना. तो फीमेल ऑल्टरनेटिव मतलब जहाँ पे जो मम्मा हैं, दादी हैं, चाची हैं, ताई हैं, दे ऑल आर मैट्रियार्की, क्योंकि उनकी घर में नहीं चलती है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रियार्की? द फर्स्ट वन इज़ मेल डोमिनेंस. मेल डोमिनेंट करेक्टर होता है घर में. मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है उसमें मेल की कोई और राय है, फीमेल की कोई और राय है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मेल की राय को माना जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज मेल डोमिनेंस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की सिस्टम. क्लियर? पेट्रियार्की समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है पिता की सत्ता, या पिता से मतलब पिता फिगर की सत्ता. ऑल्दो अभी ऐसा हर फैमिली में नहीं होता है, मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मायका, तो वहाँ पर मेरे मम्मी की मेरे पापा से ज़्यादा चलती है. ऑल्दो कहीं कहीं पर पापा की, कहीं कहीं पर मम्मी की चलती है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ. तो द पॉइंट इज़ कि दोनों का डिसीजन इक्वली मैटर करना चाहिए. दोनों डिस्कस करके आपको डिसीजन दे रहे हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आपकी मम्मा डर के बोल रही हैं कि भाई पापा से जाके पूछो, उनके हाँ के बिना तो आप जा ही नहीं सकते हो, सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. वो चीज़ आपकी पेट्रियार्की के अंदर आती है. क्लियर? मेल डोमिनेंस, देन मेल आइडेंटिफिकेशन. अब पहले क्या होता था और अभी भी होता है, हम लोग अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, दैट आई एम द डॉटर ऑफ मिस्टर कृष्ण कुमार. तो आई एम ऑल्सो द डॉटर ऑफ मिसेस अंजू चौधरी. तो क्यों नहीं वो दोनों नाम बोले जाते, है ना. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज ला रहे हैं, हम मदर का नाम पहले लिखते हैं. दोनों का लिखो ना, हमें किसी को भी ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, हमें इक्वालिटी पर चलना है. क्लियर? तो मेल आइडेंटिफिकेशन मतलब आप घर में जिसको आइडेंटिफाई करा जाता है, दैट इज़ मेल ओनली. जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्क हैं, एथिक्स हैं, या स्ट्रेंथ है, वो सब क्वालिटीज़, कंट्रोलिंग पावर है, वो सब मेल के अंदर होता है. दैट इज़ वाई मेल आइडेंटिफिकेशन इज़ देयर. देन मेल सेंटर्डनेस. अब पूरा घर मेल पर केंद्रित है. पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी होता है वो मेल होता है. लाइक कई कुछ घरों में मेल जहाँ पे सेंटर, मेल सेंटर्डनेस माहौल होता है, वहाँ पे क्या है, आप सुबह से रात तक कोई भी काम कर रहे हैं, यू विल एवरी टाइम डिस्कस कि यार पापा से पूछा, पापा को बुरा तो नहीं लगेगा, पापा क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा. पापा इज़ द ओनली लाइक खौफ इन द फैमिली. क्यों? बिकॉज द फैमिली का जो सेंटर है, फैमिली पूरी केंद्रित है मेल पर, ठीक है. फोकस सारा मेन पर है.
क्योंकि वो डेवलपर हैं, क्योंकि वो कमा के ला रहे हैं, दे आर अर्निंग. मैं यहाँ फिर से बोल रही हूँ, आई एम नॉट टारगेटिंग किसी के पापा को, मैं अपने पापा या अपने ससुर जी या मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ. बट व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैं क्या बता रही हूँ कि कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है. मैं नहीं कह रही हूँ दे आर गिविंग अस द रॉन्ग डिसीजंस और हमको उनके गलत फैसलों को भी साथ देना पड़ता है. यहाँ पे बात हो रही है कि मेल को ही सेंटर्ड क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि आप अगर शादी में मेल बड़ा होना चाहिए फीमेल से. आपने मतलब मैंने ये चीज़ सुनी कि एक ले अगर दो लड़का और एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं तो लड़के की उम्र बड़ी चल सकती है बट लड़की की उम्र बड़ी नहीं चल सकती. क्यों? ईगो आ जाता है क्या? मेल ईगो, मतलब वाई? सो नेक्स्ट कम ऑब्सेशन विद कंट्रोल. अब जो मेल पावर है ना वो ऑब्सेस्ड है कि उन्हीं को कंट्रोल करना है. तो सोसाइटी में क्योंकि उन्होंने देखा ऐसा है तो उनकी डिज़ायर है, उनकी इच्छाएं हैं कंट्रोल करने की. एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू डू तो उनको गुस्सा आ जाता है, फिर उनके क्रोध से डरा जाता है. देन ऑपरेशन ऑफ वुमेन. यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ वुमेन मतलब अब वुमेन को हर तरह से नीचा दिखाना, उनको किसी भी लीडरशिप वाले काम में नहीं देना, उनको डिसीजन होल्डिंग को पावर नहीं देना. इन अ नटशेल वुमेन के कुछ रोल हैं, उन्हें वही करने देने हैं, बाकी उनका कोई डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं है. ठीक है, तो उनका मेन उनके ऊपर सुपर पावर करते हैं, वुमेन की राइज जो है वो नीचे हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट कम्स ब्यूरोक्रेसी एंड पेट्रियार्की. ब्यूरोक्रेसी होता है जो आपके हाई पोस्ट होती है. आपने अगर हम अब घर से निकलकर आगे ऑफिस लाइन में, टीचिंग लाइन में या फिर हम एक फॉर्मल लाइन के अंदर जाएं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे दैट ऑन द टॉप पोजीशन ज़्यादातर मेल होते हैं. मैं आपको इसी से रिलेटेड अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ. हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मैं और मेरे हस्बैंड रन करते हैं इस इंस्टीट्यूट को. एंड वेन एवर ही इज़ नॉट एट द इंस्टीट्यूट और मैं इंस्टीट्यूट पर होती हूँ और कोई हमें विजिट करने आता है, कोई में दे कैन बी द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले लोग, मार्केटिंग पीपल, और दे कैन बी एस द पर्सन हु इज़ कमिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ऑल, या फिर देर कैन बी द पीपल फॉर आस्किंग फॉर द क्वेरीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब अपने एडमिशन इनरोलमेंट के लिए. तो कोई भी आता है. आई हैव फेस्ड इट मेनी टाइम्स, स्पेशली व्हेन द मार्केटिंग पीपल अराइव्ड. एक बार जस्ट स्टाइल से आए थे और एक बार किसी कॉलेज के मार्केटिंग टीम थी, तो देन दे विजिटेड. तो उनका मेरे साथ जो इंटरेक्शन था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एकेडमी का नाम द हरीश एकेडमी नाम मेल था, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि एक मेल से ही हमारी बातचीत होगी. मैं थी वहाँ पर. सो व्हाट दे आस्क, सर कहाँ मिलेंगे? ओके, मैंने बोला आप मुझसे बात कर सकते हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू टॉक टू मी. तो मुझे अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ा. एंड मेरे हस्बैंड ने क्या किया उस टाइम पर, मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें मेरे पे कर दी. अच्छा इसका फैसला नहीं, मैम लेंगे, आप मैम से पूछिए. उन्होंने उनको भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की. क्लियर? तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम एक जो मेल कैरेक्टर है ना वो फीमेल को टॉप पोजीशन पे देख ही नहीं सकता. मतलब उनको ये लगा कि यार ये इस जगह की ऑनर कैसे हो सकती है, हम इससे कैसे बातचीत कर लें, हमारा मेल ही को हर्ट होगा. भाई क्यों, भाई ऐसा क्यों होगा? तो मतलब ये चीज़ मैंने खुद फेस की है. आई नो जितने भी वर्किंग फीमेल्स हैं उन्होंने कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया होगा. ठीक है, तो फॉर्मल एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम द टॉप पोजीशन, एक्सक्लूड कर दिया जाता है वुमेन को टॉप पोजीशन से, उनको दी नहीं जाती. देन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन हायरिंग एंड प्रमोशन, उनके प्रमोशंस नहीं किए जाते, उनको हायर करने में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको सैलरी उतनी नहीं दी जाती है. देन क्रिएशन ऑफ द जेंडर लिंक जॉब विच टायर वुमेन टू लोअर लेवल पोजिशन, वुमेन को ज़्यादातर लोअर लेवल पोजिशन दी जाती हैं. आज जबकि आज चीज़ें बदलने की कोशिश की जा रही है, पर इस बदलाव में भी बहुत परेशानियाँ देखने को मिलती हैं.
देन मेंटेनेंस ऑफ मेल करियर पैटर्न्स विच रिक्वायर मोर एबिलिटी फुल टाइम वर्क एंड नो इंटरप्शन. अब होता क्या है, अगर घर का मेल काम कर रहा है तो भाई आप काम करो, आपका काम काम को आप प्रायोरिटी दो. बच्चा तो आपकी वाइफ संभाल लेगी, आप कोई व्यक्ति काम करो खाना तो आपकी वाइफ बना लेगी, अरे अरे काम करो बर्तन तो आपकी वाइफ मांझ लेगी. वाई, वाइफ भी तो वर्किंग है, उसको भी तो हेल्प चाहिए. तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हम मेल करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और वहीं हम फीमेल करियर को एकदम निग्लेक्ट करके चलते हैं. सो दिस इज़ ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की, द मिक्सचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की. देन लॉबिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर टू मेंटेन पॉलिसीज. अब लॉबिंग क्या, एक ग्रुप जो कि इस काम में जुटा हुआ है कि भैया औरतें नीचे ही रहने चाहिए, और प्रेशर अप्लाई करते हैं और ताकि पॉलिसीज उस तरीके के बनाई जाएँ ताकि वुमेन को हम हमेशा सबऑर्डिनेट पोजीशन में ही रखें, उनको कभी ऊपर की पोजीशंस ना दें ताकि हमें उनके अंडर काम करना ना पड़े. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम इन सोसाइटी फेस करते हैं, जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है. तो पेट्रियार्की में हम चेंज ला सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में इक्वालिटी ला सकते हैं, हम अपने आप में इंडिविजुअल में चेंज ला सकते हैं. एंड माय हस्बैंड इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. मैंने इस वीडियो में अपने हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है, लेकिन इट वॉज मेंट टू बी. मैंने उनके थ्रू ये देखा है कि एक इंसान का बदलाव आपके माहौल को बहुत ज़्यादा बदल सकता है. तो और सच में हम अगर चेंज लाना चाहते हैं तो चेंज हमारा इंडिविजुअल से ही होना चाहिए. एक का बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज में बदलाव ला सकता है. देन डायरेक्टली चैलेंज करो पैट्रियार्की को, खड़े हो जाओ उसके सामने, नहीं हम नहीं चलने देंगे मेल मेंबर्स के. ऐसा नहीं है कि हम फीमेल ही चलाएंगी, मिल के चलाते हैं, फीमेल और मेल दोनों के डिसीजंस मैटर करने चाहिए. एंड सोशली हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हमें अपने लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए. क्लियर? यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मेन को एकदम सप्रेस्ड कर देना है, उनको नीचे कर देना है, हम सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में हम जेंडर बायस के बारे में पढ़ेंगे, और ये पूरी बुक आपके जेंडर से ही रिलेटेड है और काफ़ी इजी है. मतलब पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इजीली, अगर मतलब पढ़ा भी नहीं हुआ तब भी आप इसका आंसर बना के लिख सकते हैं. बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप हर टर्म को ज़रूर रेफर करें, मतलब हर टर्म का मतलब आपको पता हो. क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे आपको कुछ काम का मिला हो और लगे कि आपको मदद करेगा, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स जो कि बीएड कर रहे हैं. दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर.